नहीं देखिए, मैं चुनाव भी लड़ी थी ना, तो कोई मैं पैसा और दारू बांट के चुनाव नहीं लड़ी थी। मैं अपना नाच गा के अपना डांस दिखा के आशीर्वाद देख मैं वोट जीती थी ना, मुझे जनता वोट दिए थे। और जनता मुझे नहीं बोले कि तुम अपना आशीर्वाद देना बंद कर दो, के नहीं बंद कर दो करके, क्योंकि आज भी किसी के यहाँ बच्चे नहीं होते हैं। तो जो मैं पहले जिनके यहाँ जाती थी आती थी, जो मुझे मानते हैं वो भी मुझे बुलाती जस सम्मान देते, मैं आज उनके घर भी जाती हूँ और आशीर्वाद दे के आती हूँ। और इसमें मेरा निजी जिंदगी है वो, और ये भी मेरी जिंदगी है। राजनीति तो 5 साल की है, बाकी मेरी किन्नर तो मेरा जन्मों जन्मों का है, मेरा पहचान उसको कैसे छिपा सकती हूँ। रही बात कौन पार्षद कौन विधायक कौन सांसद अपना पुराना काम छोड़ दिया जो पद पे आए हैं, तो मैं अपना काम क्यों छोड़ने जाऊँ? क्या मेरे काम पे क्या क्या है? मेरा डांस को देख के आदमी दुनिया बोलते हैं, कार्यकाल को मेरे देखे ना, गली गली में जाके क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ। मैं अपना विकास को दिखाना चाहती हूँ, टिकटॉक को दिखाना नहीं चाहती थी। ये तो अरेस्ट कर दिए जो प्रचार कर दिए कि ज्यादा किनको ऐसे कर दें तो आगे चल के चुनाव लड़े तो पब्लिक के मन में भेदभाव करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। और जनता मुझे नहीं बोले कि तुम्हें क्यों किए हो कि कैसे कर रहे हो, मुझे नहीं बोलते। मैं आज भी सबके घर जाती हूँ, मुझे इज्जत सम्मान पहले का मिलता है और आज मिलता है। आज क्या है, मैं नहीं जाऊंगी मेरे जनता के घर के बीचों में, जिनके बच्चे जिनके साथ हो उनके आशीर्वाद लेने नहीं जाऊंगी। तो क्या मुझे सब दिन राजनीति जो सीएम है कि पीएम है, क्या मुझे चला देंगे मेरे परिवार को कि मेरे किन्नर समुदाय को चला देंगे? जब तक मैं नाचूंगी गाऊंगी नहीं आगे चल के 5 साल बाद, अगर नहीं लड़ू, अगर लड़ू, अगर जीतू या ना जीतू तो किस्मत की बात है, उसके बाद तो मेरा जो काम है तुम्हें जो करना ही पड़ेगा, तो मैं काहे के लिए नहीं करूंगा तो ये। हाँ यहाँ तो मैं हूँ, मेरा किस्मत अच्छा है, मेरा रायगढ़ का जनता अच्छे है, मेरे भगवान ही लोग करके मैं आज टिकी हूँ, उनके आशीर्वाद ही करके मैं टिकी हूँ, और मेरे किन्नर के आशीर्वाद ही करके मैं टिकी हूँ, मेरे बड़े बुजुर्ग लोग का। बाकी तो यहाँ कोई दूसरा रहता तो इन लोग तो बीजेपी कांग्रेस वाले कब से उसको गिरा के भगा देते। ये तो अच्छी है कि मेरी किस्मत अच्छी है, मेरे देवी देवता मेरे जो बुजुर्गों का आशीर्वाद है उस सब मेरे साथ ही करके मैं टिकी हुई हूँ। किस तरह की परेशानियां झेल मुझे तो आप लोग सभी जान, तो क्या बताना पड़ेगा। शुरू से मुझे परेशान करते हैं, हर चीज के लिए परेशान किया गया मुझे, क्या चीज के लिए परेशान नहीं किया गया आपको? मतलब इस तरह से मतलब परेशान कर दिया कि आपको ऊब हो जाए? हाँ ऊब जाए अपने मन से, इसका दिमाग की हालत खराब कर दे तो ये उठ के अपने इस्तीफा दे के पद से हट जाए करके मुझे हर चीज से परेशान किया गया। सरकार जैसे चेंज हुई, सिनेरियो बदला, लोग कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है पूरे राज्य में, तो क्या आप के प्रति भी सरकार का रवैया बदला? देखिए सरकार तो नए अभी आए हैं, उनसे अभी मेरी मुलाकात हुई नहीं है, मैं गई नहीं हूँ रायपुर। और रही बात अब सरकार बदले हैं तो नए अच्छे काम होंगे, मैं भी उम्मीद रखती हूँ, मैं भी यही चाहती हूँ कि कांग्रेस सरकार आए हुए हैं तो उनसे मैं यही अपेक्षा करती हूँ कि जो पूर्व में जो सरकार थी जो मेरे साथ भेदभाव किए, वो ये जितने मेरे कार्यकाल जो 8-10 महीने बचे हुए हैं उस पर वो ना करें, अच्छे से फंड भेजे रहेगा नगर निगम को, तो अच्छे से कार्य हो जाए तो सारे जनता भी और खुश हो जाए, और अच्छे से कार्य हो तो सारे हमको भी अच्छे लगे, जनप्रतिनिधियों को भी अच्छा लगेगा कि हमारे कार्यकाल में अच्छा काम कि आप देखो 4 साल से तो नहीं है, अपने नया सरकार बने हुए हैं, हम तो बजट अपना जो भेजते हैं हर साल उस साल से बढ़ के अच्छे से बना के बजट ही भेजेंगे। हम सरकार से यही निवेदन करते हैं कि हमारे इस बजट पे अच्छा से गौर करें और नगर निगम को अच्छा से हमको बजट दें तो हमारे नगर निगम में अच्छे कार्य होंगे, आगे भी चुनाव लड़ेंगे, हमें आगे भी चुनाव लड़ेंगे। पॉलिटिक्स अच्छा या बुरा? पॉलिटिक्स तो बहुत बुरा है, लेकिन बुरा के साथ तो बुरा बनना पड़ेगा। अब बुरा को देख के पीछे हटने से तो काम चलेगा नहीं, देखो बुरे